हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2009 में आई एक ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर फिल्म टोरियन ग्रे की, जिसे डायरेक्ट किया है ओलिवर पार्कर ने। एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 6.2 out of 10। इस फिल्म की शुरुआत में हमें टोरियन ग्रे नाम के एक यंग लड़के को दिखाया जाता है जो लंदन शहर में रहने आया है। वो अपने मैंशन में जाता है जहाँ उसके नाना जी की बड़ी सी पेंटिंग दीवार पर लगी रहती है। वहाँ पर कुछ ही दिनों में वो कई दोस्त बना लेता है और मेंशन में ही कई पार्टीज और पियानो शो करता है। एक पार्टी में वो एक बेसिल नाम के पेंटर से मिलता है जो टोरियन ग्रे की पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कई पेंटिंग बनाने के बाद फाइनली टोरियन ग्रे की पेंटिंग बन जाती है। फिर बेसिल अपने साथ टोरियन को पार्टीज में लेकर जाता है जहाँ हैरी नाम का शख्स उससे मिलता है और दोनों में बहुत बातें होती हैं। हैरी कई अलग अलग लड़कियों के बारे में उसे बताता है और लास्ट में अपनी वाइफ से मिलवाता है। टोरियन फिर जब घर जाता है तो उसी छत पर एक पुराना सा रूम दिखता है, जहाँ जाने पर उसे एक टूटा हुआ शीशा दिखता है जिसे वो ठीक करता है। फिर बेसिल उसकी अधूरी पेंटिंग को पूरा करता है जिसे हैरी भी देखता है। हैरी फिर उसे बताता है कि टोरियन की फादर भी एक आर्टिस्ट थे। टोरियन की मॉम ने उसके पापा के साथ भाग कर शादी की थी, जिसके बाद टोरियन पैदा हुआ। टोरियन को अपने पेरेंट्स के बारे में इससे पहले कुछ नहीं पता था। फिर हैरी बेसिल और टोरियन को एक नाइट क्लब में लेकर जाता है जहाँ वो पीने के बाद बहुत सी बातें करते हैं। बेसिल ये कहकर चला जाता है कि उसे पेंटिंग को फाइनल टच देना है। और फिर डोरियन को एक सिबिल वेन नाम की लड़की दिखती है। हैरी समझ जाता है और वो उसे जाकर बात करने को कहता है, लेकिन डोरियन की हिम्मत नहीं हो पाती और इतने में वो लड़की एक आदमी के साथ चली जाती है। डोरियन को लगता है कि वो उसका हस्बैंड था। फिर बेसिल उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाता है जो अब कंप्लीट हो चुकी थी और हैरी उसकी तारीफ है। और टोरियन उसे देखकर दुखी हो जाता है और कहता है कि एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे झुर्रियां और पिंपल्स आ जाएंगे, लेकिन ये खूबसूरत पेंटिंग हमेशा ऐसी ही रहेगी। फिर वो विश करता है कि काश मैं हमेशा ऐसे ही जवान रहूं और ये पिक्चर बूढ़ी होती जाए, और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी आत्मा भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं कर दूंगा। फिर वो उस पेंटिंग को अपने नाना जी की पेंटिंग के सामने वाली जगह रख कर बहुत बड़ी पार्टी करवाता है और वो हैरी से बात करता है कि ओल्ड होना सच में एक बुरी बात है। वहाँ फोटोग्राफर फिर उनकी कैमरा से फोटो खींचता है। रात को टोरियन तैयार हो क्लब में जाता है, लेकिन उसको दीवार पर सिबिल वेन की पोस्टर दिखता है जो एक जगह परफॉर्म करने वाली थी। टोरियन फिर वहीं जाता है जहाँ वो परफॉर्म कर रही थी और फिर शो के बाद उसे जाकर मिलता है, जहाँ वो उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और उसे कहता है कि कल मैंने तुम्हें देखा था लेकिन तुम एक आदमी के साथ चली गई। उसे फिर पता चलता है कि वो आदमी उसका भाई जिम था, और ऐसे ही बात करते करते डोरियन उसे कह देता है कि वो उससे प्यार करता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और वो अगले दिन पार्क में जाकर भी मिलते हैं। फिर वो घर जाकर अपने डिजाइनर से अपना सूट रेडी करवाता है ताकि वो अच्छे से डेट पर जा सके, लेकिन हैरी उसे फोन करता है। लेकिन फिर उसे एक गिफ्ट देता है जो एक सिगरेट केस था जिसमें उसका नाम भी लिखा था। डोरियन फिर वेन से मिलता है और वेन भी उसे बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है। फिर रात को सोते समय उसे अपने बचपन की यादें आती है कि कैसे उसके नाना उसे मारते पीटते थे। इस सपने में वो तुरंत डर से उठ जाता है, लेकिन उसका हाथ लैंप से टकरा कर कट जाता है। वो अगले दिन फिर सबको बताता है कि वो वेन से शादी करने वाला है, जिस पर सब उसे बधाइयां देते हैं। फिर हैरी डोरियन को थिएटर में लेकर जाता है। रास्ते में वो बताता है कि उसकी वाइफ को एक बेबी होने वाला है। थिएटर में बहुत सी लड़कियां आकर डोरियन को सड्यूस करने की कोशिश करती हैं और डोरियन भी नशे में उनके साथ चला जाता है। फिर वहाँ की बात वो दोनों वेन से जाकर मिलते हैं, जो हैरी वेन से नॉर्मल बात करता है और बताता है कि उसे थिएटर बहुत पसंद है। फिर टोरियन वेन के पास आता है, जिसे वो कहता है कि शायद हम अभी शादी के लिए छोटे हैं और हमें रुक जाना चाहिए, लेकिन इससे वेन को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाती है कि टोरियन उससे शादी नहीं करना चाहता, और वो ये भी समझ जाती है कि वो थिएटर में किसी के साथ था। टोरियन उसे समझाता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वेन उससे गुस्सा होती है, जिस पर डोरियन चिढ़ कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्योंकि वेन उससे प्यार करती थी इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डोरियन फिर भी उसकी एक सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर डोरियन अपने मेंशन में रखी हुई अपनी तस्वीर को जब देखता है तो उसमें उसे कुछ चेंज लगता है। अगले दिन हैरी उसकी हिम्मत बढ़ाता है और उसे अलग लड़कियों को दिखाता है। फिर शाम को जब डोरियन अपने मेंशन में वापस आता है तो वेन का भाई जिम वहाँ उससे मिलता है और उसे गुस्सा होकर बताता है
कि वह ने सुसाइड कर लिया और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तभी भी तुमने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। तुम एक मर्डरर हो। थोरियन को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो वेन से प्यार करता था, लेकिन जिम उसकी एक ना सुनकर उसको मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है, जिस पर थोरियन के बॉडी गार्ड्स उसे बचाते हैं और जिम को पकड़ लेते हैं। लेकिन थोरियन अभी भी सदमे में था और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहाँ हैरी आ उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोरियन भी उससे कहता है कि उसकी नाना हमेशा उसे ये कहकर मारते थे कि वो मृत्यु है और शायद वो सही थे। जिनसे भी मैंने प्यार किया वो सब मेरी वजह से मर गए। हैरी उसे शांत होने के लिए कहता है और उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और जो हो गया है वो सो हो गया। अब तुम्हें आगे देखना चाहिए और पुरानी बातों को भूल कर अपनी लाइफ फिर से एंजॉय करनी चाहिए। और फिर उसे ड्रिंक देकर वहाँ से चला जाता है। हैरी के चले जाने के बाद जब थोरियन अपनी पेंटिंग को देखता है तो उसे पेंटिंग का चेहरा कुछ अलग दिखाई देता है और उसके हाथ पर घाव का निशान था, जो वो पेंटिंग में भी दिखने लगता है। अगले दिन जब बेसिल उसके मेंशन आता है तो वो उससे पेंटिंग नहीं दिखती क्योंकि थोरियन ने उस पेंटिंग को उसी पुराने कमरे में रख दिया था। वो समझ जाता है कि हैरी ने ही उसे कुछ समझाया है और वो उसे ये कहकर चला जाता है कि उसे हैरी की हर एक बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वो हैरी के साथ पार्टी में जाता है जहाँ हैरी उसकी एक लड़की से मुलाकात करवाता है, जहाँ थोरियन फिर उसे ऊपर कमरे में ले जाता है। उस लड़की की मॉम भी उसी पार्टी में थी, जो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते थोरियन के कमरे में जा पहुँचती है, लेकिन वहाँ उन्हें थोरियन के सिवा कोई और नहीं दिखता क्योंकि थोरियन ने लड़की को बेड के नीचे छुपा दिया था। थोरियन उसकी माँ से भी बात करता है और उनके साथ भी फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। थोरियन अब पूरी तरह से आवारा हो चुका था। वो रोज अलग अलग लड़कियों के साथ जाता था और उसकी पेंटिंग पर रोज ग्रेटली के निशान आने लगते थे, जिससे उसके अंदर का जेविल उस पेंटिंग में शो होने लगता है। लेकिन वो उस बात की चिंता किए बिना उस पेंटिंग को उसी पुराने कमरे में लॉक कर देता है और फिर से भोग विलास करने लग जाता है। बेसिल उसे सबके सामने पूछता है कि तुम पेंटिंग को अंदर छुपाकर क्यों रखते हो, जिस पर थोरियन कहता है कि इतनी एक्सपेंसिव चीज को अंदर ही रखा जाए तो बेहतर होगा। बेसिल थोरियन को फिर अकेले में लेकर पूछता है कि वो पिक्चर मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन आर्ट है जिसे तुमने अंदर छुपा कर रखा है। उसके बाद जब वो बाकी लड़कियों के साथ होता है तो मजाक में एक शख्स उसकी लॉकर की चाबी को पकड़ लेता है और जिस पर थोरियन बहुत गुस्सा हो उसे चिल्लाकर उसकी चाबी को दोबारा कभी ना पकड़ने के लिए धमकाता है, जिसे देखकर हैरी को उस पर शक होता है। बेसिल वहां आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी बेसिल से कहता है कि उसमें जवानी का खून है इसलिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन बेसिल उसे पलट कर कहता है कि उसमें जवानी का खून पहले से ही था, लेकिन वो तुमसे मिलने से पहले इतना क्रूएल नहीं था। रात को बेसिल थोरियन को मेंशन में ले जाता है जहां वो उसे इस अजीब बिहेवियर के बारे में पूछता है। थोरियन भी उसे बताने के लिए रेडी हो जाता है और उसे उसके पुराने कमरे में ले जाकर वो तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर बेसिल बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। तस्वीर में वो एक डेविल जैसा लग रहा था जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो। बेसिल को थोरियन बताता है कि इस पेंटिंग की वजह से वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बेसिल को ये सब ठीक नहीं लगता, वो डे बाय डे एक डेविल में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए वो उसे प्रीस्ट से मिलने का एडवाइस कहकर वहाँ से जाने लगता है, ये कहकर कि ये सब रोकना ही होगा। लेकिन तभी थोरियन उसे रोकता है और उसे बहरहमी से मार डालता है और उसकी लाश को गाड़ी में डाल नदी में फेंक आता है और फिर पहले से ज्यादा इस बार भोग विलास में लिप्त हो जाता है। उसके पास न्यूज आती है कि बेसिल की लाश रिवर में मिली है। वो उसके फ्यूनर पर स्पीच भी देता है। अगले दिन थोरियन हैरी को बताता है कि वो कैसे ये जगह छोड़कर दुनिया घूमने जाएगा। हैरी को लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन थोरियन उसे मना कर देता है कि वो कुछ नहीं छुपा रहा और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ साल बाद हैरी अपनी छोटी सी बेटी को पार्क में खेलता देखता है और फिर थोरियन के भेजे हुए लेटर्स को पढ़ता है। फिर हमें 20 साल आगे ले जाया जाता है जहाँ थोरियन 20 साल बाद लंदन आकर उन्हीं सब लोगों से मिलता है। बाकी सब लोग बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी थोरियन 20 साल का जवान लड़का लग रहा था। उसको देखकर सब शॉक्ड होते हैं। रात को हैरी थोरियन से मिलने आता है और उससे वापस यहाँ आने का रीजन पूछता है, जिस पर थोरियन बताता है कि वो घूमते घूमते थक गया है। हैरी उसी मजाक में कहता है कि तुमने अपना पैशन खो दिया है जिसे तुम्हें वापस ढूंढना चाहिए। फिर दोनों हंसकर एक दूसरे से बात करते हैं। हैरी उसे अभी तक जवान कैसे है इसका सीक्रेट पूछता है, जिस पर थोरियन ये कहकर मना कर देता है कि अगर उसने उसे बताया तो उसे हैरी को मारना पड़ेगा। फिर दोनों कमरे से बाहर जाते हैं। वहाँ हैरी की बेटी एम
फैमिली डोरियन से मिलती है और वो उसको पसंद करने लगती है, जिसे देखकर हैरी चिढ़ जाता है। फिर डोरियन क्लब में जाता है, लेकिन तस्वीर में वो अब डेविल बन चुका था, जिसका असर अब उसकी रियल लाइफ पे भी हो रहा था। पेंटिंग में उसकी आंखों से बहुत कीड़े निकलने लगे थे, जिसकी वजह से वो क्लब में बेहोशी की हालत में आ गया और वहां से अपने मेंशन में वापस जाने लगा। वो वहां से कब्रिस्तान में जाता है जहां वेन की लाश दबी हुई थी। वो वेन को याद करता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जिम, जो वेन का भाई है, वो डोरियन ग्रे को देख लेता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वो कई सालों से अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। वो उसको पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन डोरियन उसे समझाता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो, क्योंकि डोरियन अब तक बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन मैं तो 20 साल का जवान हूँ। जिस पर जिम को भी लगने लगता है कि वो डोरियन नहीं है और उसे वो जाने देता है, लेकिन डोरियन का सिगरेट केस जिस पर डोरियन लिखा था वही छूट जाता है, जिससे जिम को पता चल जाता है कि वही डोरियन है। अगले दिन एमिली डोरियन से मिलती है, जहाँ वो कई बातें करते हैं और फिर दोनों कार में घूमने जाते हैं। ये सब हैरी देख लेता है। अगले दिन डोरियन जब अपनी पियानो स्किल सबको दिखा रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगने लगता है कि वहाँ बेसिल भी बैठा है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और उससे अपने हाथों पर भी खून दिखाई देने लगता है। रात को रास्ते में एमिली डोरियन से पूछती है कि तुमने पियानो बजाना एकदम बंद क्यों कर दिया। तभी वहाँ जिम भी आ जाता है, जिसे देखकर डोरियन एमिली को कहता है कि उसमें कई बुरी चीज है जिसका अब उसे हर्जाना चुकाना होगा। फिर उसे वो वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद जिम से भागने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि कई लोग उसे रास्ते में गालियां दे रहे हैं। वो अपने मेंशन जाता है, जहां वो उसी पुराने रूम के बाहर देखता है कि वहां उसके गार्ड सफाई के लिए खड़े हैं। डोरियन उन सबको गुस्से में वहां से भगाकर अंदर जाता है और उस पेंटिंग को तलवार लेकर खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा करने पर वो पेंटिंग के अंदर जैसा दिख रहा था वैसा ही रियल में दिखने लगेगा। इसलिए वो ये सोच कर बहुत रोता है। वो चर्च जाकर अपने गुनाहों को कबूल करने की सोच कर गॉड से माफी मांगने लगता है। वो फादर को बताता है कि ये मेरा असली चेहरा नहीं है, मैंने अपनी आत्मा को देखा है जो अब जहर बन चुकी है। लेकिन इसे सुनकर प्रेस उसे कुछ ना कहकर उसे पागल समझ वहाँ से मुंह मोड़ लेते हैं। फिर वो वापस अपने मेंशन में जाने लगता है, लेकिन सिम वहाँ आकर उस पर शूट करने लगता है, जिसे तैसे तैसे बच कर वो भागता है और लास्ट में जिम ही एक ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। रात को एमिली डोरियन से मिलने आती है, जहाँ डोरियन की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। वो एमिली को सारा सच बताने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताता वो बेहोश हो जाता है। जहाँ वो अगले दिन उठता है, अपने सामने हैरी को देखता है। एमिली अपने पापा को समझाती है कि डोरियन मेरा बस एक दोस्त है। हैरी डोरियन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और हैरी फिर डोरियन को उसे दूर रहने के लिए जोर से धमकाता है। इससे एमिली भी सुन लेती है। कुछ देर बाद एमिली अकेले में डोरियन से मिलकर उसे अपने पापा के लिए माफी मांगती है और फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हैरी भी जब तस्वीरों को देखता है अलग अलग, तो उसे पता चल जाता है कि डोरियन बूढ़ा नहीं हो रहा, बल्कि उसकी जगह उसकी तस्वीर बूढ़ी हो रही है, जिसे देख वो तुरंत डोरियन की जहाँ तस्वीर रखी थी वहाँ जाने का डिसाइड करता है और एक डुप्लीकेट की बनवाता है। रात को सोते समय डोरियन को एक सपना दिखता है, जिसमें एमिली को उसके सच के बारे में पता चल गया है, जिसकी वजह से डोरियन उसे मार डालता है। लेकिन जब डोरियन सोकर उठता है तो एमिली उसके पास ही सो रही थी। अगले दिन डोरियन अपने इस मेंशन को बेचने के लिए कुछ खरीदारों को अपने घर दिखाता है और फिर एक पार्टी में एमिली को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ हैरी भी था। जहाँ हैरी इशारों में उसे कुछ कहकर चला जाता है, जिससे डोरियन को लगता है कि कहीं हैरी को मेरा सीक्रेट पता तो नहीं चल गया। फिर थोड़ी देर बाद डोरियन हैरी को गाड़ी में कहीं जाता हुआ देखता है, जिससे वो पूरी तरह श्योर हो जाता है कि उसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है और वो तुरंत हैरी को पकड़ने उसके पीछे भागने लगता है। हैरी उस तस्वीर के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। डोरियन उसे ना हटाने के लिए कहता है और फिर उसे वहीं पास में खून से सना हुआ बेसिल का कपड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि डोरियन ने ही बेसिल को मारा है। फिर इस सब का जिम्मेदार डोरियन उसे ही बताता है, क्योंकि उसी ने उसे अपनी लाइफ खुलकर जीने के लिए कहा, जिसकी वजह से पहली बार वेन मारी गई। फिर वो हैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका गला दबाता है। हैरी उसे कहते हैं कि तुम्हारे नाना सही कहते थे कि तुम मृत्यु हो सबकी, लेकिन जैसे तैसे हैरी उसके चंगुल से छूटता है और उसको धक्का दे पेंटिंग पर से कपड़ा हटा देता है। पेंटिंग के अंदर एक बहुत ही बदसूरत आदमी, जो असल में और कोई नहीं बल्कि डोरियन ही था, वो दिखता है। वो उसको देखकर घबरा जाता है और उसको तलवार ले पेंटिंग को तोड़ मोड़ देता है। वो वहाँ हर जगह आग लगाकर गैस लैंप को खोल देता है। फिर
डोरियन वही बदसूरत पूरा इंसान बनने लगता है जैसे पेंटिंग में दिख रहा था। तभी वहाँ एमिली आती है जिसे हैरी पकड़कर दूर करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ ब्लास्ट होता है जिसमें डोरियन मर जाता है और एमिली और हैरी बाहर निकल आते हैं। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैरी किसी से बात कर रहा है कि उसकी बेटी एक दिन उसे जरूर समझेगी कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर मूवी के एंड में हमें उसी पुराने कमरे में डोरियन ग्रे की तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें वो एकदम जवान था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में नाइस वर्क जरूर लिखिएगा जिससे मुझे पता चल सके कि मूवी को लास्ट तक किसने देखा है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।